हाय दोस्तों, आज हम एक वीडियो शेयर करने जा रहे हैं। इसका नाम कूपर है और ये एक भूटिया ब्रीड है। आप इसका स्ट्रेंथ देख लेना, ये किस तरह से जंप करता है और ये बहुत मस्ती करता है। और ये ट्राई कलर में भूटिया डॉग है। आप इसकी बोन साइज़ देख ही सकते हो और ऊपर से जो इसका कोट है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लफी है। एक बार जो ये चीज़ पकड़ लेता है ये छोड़ने की कोशिश नहीं करता और छोड़ना चाहता ही नहीं है। और इसको स्ट्रेंथ देखोगे तो, अगर इसका वेट देखोगे तो इज़ ऑलमोस्ट लाइक 42 kgs नाउ। और नुन्नू एक बार इसको जंप करवा। ये बहुत ही सुंदर लगता है। जब शायद से वीडियो में मैं इसका सुंदरता कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ, बट अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। अभी ये शेड कर रहा है। एक्चुअली गर्मी जैसे शुरू हो रही है तो अपने बालों को, इसके बाल बहुत निकल रहे हैं, नहीं तो ठंड में ये काफ़ी ज़्यादा मोटा तगड़ा लगता है देखने में। और बहुत एग्रेसिव डॉग है ये। अगर अकेला रहता है घर के अंदर तो किसी को आने नहीं देगा। और एक चीज़ जो पकड़ लेता है ये छोड़ेगा ही नहीं। बहुत क्यूट है और बहुत एनर्जेटिक डॉग है ये। एक्चुअली इसको आप 24/7 कभी भी खिलवाते रहो, ये खेलता रहेगा। इसको खेलना बहुत पसंद है। ऐसे मत खींचना नू, ऐसे खींचोगे तो इसके दांत में लग जाएगा चोट। कूपर छोड़ दे, कूपर उसको नहीं, एक बार नू तू ही छोड़ दे। अब वो ये क्या चाहता है ना, ये आपसे चीज़ें छीन लेगा और ये चाहता है कि आप उससे खींचो, तो ये आपसे दूर भी नहीं जाएगा। अभी आप देखते जाओ ये क्या करेगा। ही वॉन्ट्स कि आप उसके साथ खेलो। अगर आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो फिर उसको गंदा लगता है। कूपर ओए इधर आ, कूपर इधर आ। अभी आप देखते जाओ, नुनू थोड़ा दूर जाना। एक बार इसका जंप हम अपने ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं कि कितना जंप करता है। कूपर जंप। अब मुझे लगता है इसको पता चल गया कि हम इसकी वीडियो बना रहे हैं, तो अभी ज़्यादा खेलना नहीं चाहता। अब इसको फिर से मिल गया है। या मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ अपने कूपर के बारे में। एक्चुअली ये इस एरिया में जो हमारा इलाका है वहाँ का ये बहुत फेमस डॉग बन चुका है, तो काफ़ी लोग हमें इसकी वजह से हमें लोग जानने लग गए हैं। तो गाइस मैं यही बोलूँगा कि अगर आपके पास कोई प्यारा डॉग है तो उसको बहुत प्यार से रखो, बहुत अच्छी तरह से रखो, और वो आई एम श्योर कि वो आपके घर के अंदर वो इतना इम्पोर्टेंट मेंबर बन जाएगी कि आपको उसके बिना दिल भी नहीं लगेगा। ये एक्चुअली बास्केटबॉल भी खेलता है, बट अभी लगता है मुझे इसका मूड है नहीं। इसको भी कपड़ा ही फाड़ना है। इसने हमारे घर का हर चीज़ फाड़ रखा है। कूपर यहाँ से जा, यहाँ से जा, मेरे साथ खेलेगा, मेरे साथ खेलेगा तू, गो। चाहता है कि मैं इसके साथ खेलूँ, इसीलिए यहाँ पे आ गया मेरे पास। कूपर गो, ये देखो यहाँ पे ये कूपर, क्या तू मेरे साथ खेलना है? ठीक है जा जा, खींच जा कूपर उधर जा। ये देखो अभी मैंने इसको छोड़ दिया था, ये मेरे पास खुद ही लेके आएगा कपड़ा।
गो गुब्बू गो एंड प्ले। ये देखो ये मेरे पास आ गया और बोल रहा है कि खेलो मेरे साथ। खेलो नहीं खेलूंगा क्या करेगा। चल जा गुब्बू जा जा ना। ये ले चल जा। क्या है जा। वो चाहता है कि उसको खींचो। और इसके बारे में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि जब ये घर के अंदर अकेला रहेगा ना तो ये पूरे घर की निगरानी अकेले ही कर सकता है। बहुत स्ट्रांग लगता है, काफ़ी तगड़ा कुत्ता लगता है इसको। अगर आप जब देखोगे तो ये काफ़ी तगड़ा पेट लगता है। इसका काम क्या है कि रात को ये हमारे छत के पर, आपको अपना छत दिखाता हूँ, ये जो दिख रहा है आपको छत हमारा, यहाँ पर जाके वो बैठ जाएगा और यहीं से वो देखता रहता है कि कोई आ रहा है कि नहीं। और अगर कोई आता है तो ये भौंकना शुरू कर देता है। और इसकी आवाज़ जो है ना दोस्तों, मैं पहले बता देता हूँ कि इसकी जो आवाज़ है ये नॉर्मल डॉग्स की तरह नहीं रहती है। इसकी आवाज़ के अंदर थोड़ा सा बेस बहुत ज़्यादा रहता है, हैवी लगता है जब ये भौंकता है तो ऐसा लगता है कि कोई बड़ा जानवर भौंक रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं अभी के लिए वीडियो यहीं पर फिनिश करता हूँ। मैं चाहता था कि ये आपके लिए एक बार जंप करके दिखाए, बट आई थिंक वो अभी मूड में नहीं है। जब इसको अपना मन करेगा तब ये जंप करता है। अभी शायद से इसका मूड होगा तो जंप करेगा। कुपर जंप करो। ये भी फिर से मेरे पास आना चाह रहा है मुझे लग रहा है। नहीं, इसको किसी जानवर की आवाज़ आ रही थी बाहर से तो एक गेट के पास चला गया। ये एक्चुअली पूरे हवा में जंप कर लेता है, ग्राउंड से पूरा फ्लाई करके जंप करता है। ये अभी देखना कैसे जंप करेगा। ये बहुत ऊपर तक हवा में जंप कर लेता है हमारा कुपर। इज़ अ बिग डॉग एक्चुअली। अभी ये 1 साल और 2 महीने का ही हुआ है और अभी इसका वेट 42 kg है। आई थिंक ये 2 साल तक और बढ़े, 1 साल और बढ़ेगा ये। तब तक ये जब ये फुल मैच्योर डॉग हो जाएगा तब इसका वेट और वी आर एक्सपेक्टिंग कि क्लोज टू 60 kg होगा। और काफ़ी एग्रेसिव रहता है ये, काफ़ी हैवी रहेगा, काफ़ी एग्रेसिव रहेगा। और इसका स्ट्रेंथ दोस्तों मैं पहले बताऊँ, इसके पास काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ रहता है। ये एक नॉर्मल आदमी को आराम से खींच सकता है। अगर किसी नॉर्मल आदमी का वेट 40-50 kg के करीब है तो ये आराम से उसको खींच लेगा। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक्चुअली मेरी मम्मी हैं, वो कूपर को बाहर घुमा रही थी और कूपर ने एकदम से देखा कि कोई कुत्ता है तो वो इतनी तेज़ी से उसके पीछे भागने की कोशिश की कि उसने मम्मी को रोड पे गिरा दिया पूरा, और मम्मी उसको संभाल नहीं पा रही थी। तो इस कुत्ते की स्ट्रेंथ आप समझ सकते हो। मेरी मम्मी का वेट ऑलमोस्ट क्लोज टू 50-55 kg तो होगा।